भगवान से कैसे जुड़ें, कैसे कनेक्ट हों, इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं। आप लोगों को आज मैं एक विधि बताऊंगा, जो विधि सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है, जिस विधि से आपका मन एकाग्र होगा। मन कभी पर आपको मैंने क्या बोला कि आपका सुंदर सा मन भगवान को चढ़ाओ, लेकिन आपका मन सुंदर है नहीं, तो आओ हम आपके मन को सुंदर बनाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। आप कितने लोग अपने मन को सुंदर बनाना चाहते हैं, ऐसा सुंदर बने कि श्याम सुंदर तक पहुंच जाए। आइए हम आपके मन को सुंदर बनाने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे, और जो हम कहेंगे वो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, और जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा आप करेंगे। अब इसे जो हम कहने जा रहे हैं ये है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान, वो ध्यान जो भगवत प्राप्ति में सहायक है, ईश्वर की प्राप्ति में सहायक है। भगवान की पूजा दो प्रकार की होती है, एक पूजा होती है शरीर से, जिसे शारीरिक पूजा कहते हैं, जैसे भगवान को नहलाना, भगवान को पुष्प चढ़ाना, जैसा कि अभी आपने सुना कि संत जी भगवान की, ये शारीरिक पूजा है। इससे भी मन कनेक्ट होता है, शरीर जब लगा है तो मन धीरे से लगेगा, मन नहीं लगता तो शरीर को भी लगाओ। आप कहते हैं जी पूजा में तो हमारा मन नहीं लगता, ना लगने दो, शरीर तो लगाओ, रोज समय से भगवान को नहलाओ, एक सुंदर सी थाली लो, थाली में चंदन से एक स्टार बनाओ, बीच में ओम लिखो चंदन से, उसमें तुलसी पत्र चढ़ाओ, उसमें उस यंत्र को प्रणाम करो, और इस तरीके से आप भगवान जी को थाली पर थाली रख दो। अब बड़े प्रेम से भगवान जी को उस थाली पर बिठाओ, इस तरह थाली उठाओ, और ऐसा स्टार बनाना चाहिए, टीवी पर आप देख सकते हैं, और ऐसा बनाना चाहिए, और हर खंड में जैसे बीच में ओम लिख दिया तो फिर बीच में ओम के बाद ना, आगे मो नमो फिर नारायणाय, ओम नमो नारायणाय या ओम राम रामाय नमः, इस तरह से आपको लिखना चाहिए। जो आपका मंत्र, जो आपका गुरु मंत्र है, उस मंत्र को इस थाली पर लिखना चाहिए, और इस तरह से लिख करके उस वो यंत्र बन गया एक तरीके से। उसमें फिर तुलसी का पत्र चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, फिर उसमें भगवान जी को बिठाओ, फिर भगवान जी को नहलाओ दूध से दही से, जो आपकी श्रद्धा, नहला करके भगवान को बढ़िया नहलाओ, बढ़िया दूध दही घी शक्कर शहद पंचामृत से नहलाओ, बड़े भाव जब नहलाओ तो मन ना लगे भगवान में तो भी नहलाओ, और कोशिश करो लगे, भगवान का नाम जप करते रहो, श्रीमन नारायण चरण शरण प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, श्रीमन नारायण चरण शरण प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। भगवान को नहलाओ, फिर नहलाकर सुंदर से कपड़े से भगवान को पहुंचो, फिर भगवान को कपड़े पहनाओ, श्रृंगार करो, श्रृंगार करने के बाद भगवान जी का सुंदर सा दर्शन करो, प्रार्थना करो। ये जो पूजा है ये तो शारीरिक पूजा है, ये कौन सी पूजा है, शारीरिक। अब मैं आपको मानसिक पूजा कराऊंगा, उसके लिए आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, तो जो जो मैं कहूंगा वैसा वैसा आप इमेजिन कीजिएगा, कल्पना कीजिएगा, जैसा मैं कहूंगा ना आप वैसे भाव में चलिएगा। मैं कहूंगा कि चलो गिरिराज जी चलते हैं और परिक्रमा लगाते हैं, तो आप बिल्कुल भाव ऐसा तुरंत बनाइए कि आप गिरिराज जी में हैं और आप परिक्रमा लगा रहे हैं। अब बहुत सावधानी से बैठ जाओ, शांत चित्त से बैठो, और जैसा कहें, सभी लोग अपने आंखों को मूंद लो, बंद कर लो, नेत्रों को बंद कर लीजिए, और बड़े प्रेम से जो हम कह रहे हैं वो मानसिक पूजा है। आइए चलते हैं, सबसे पहले आप सब लोग ऐसा भाव बनाओ, सब लोग अपने नेत्रों को अपनी आंखों को बंद करो, और सबसे पहले चलिए गिरिराज जी, सबसे पहले भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी पहुंच गए, और गिरिराज जी की उस पावन धरती को, उस पावन मिट्टी को, पावन रज को, धूल को आप भाव बनाइए कि आप प्रणाम कर रहे हैं गिरिराज जी को, और आप
ऐसा भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। सब लोग भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, और परिक्रमा लगाते समय ऐसा भाव बनाओ कि हम कीर्तन करते जा रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब आप सब लोग भाव बनाओ कि आप सब गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं और कीर्तन करते जा रहे हैं। सीता राम 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 सीता राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सब लोग ऐसा भाव बनाइए कि हम गिरिराज जी की पावन परिक्रमा कर रहे हैं, और परिक्रमा करते हुए कीर्तन। सीता राम 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 सीता राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। अब आप भाव बनाइए कि आपने गिरिराज जी की परिक्रमा की। अब ऐसा भाव बनाइए कि अब आप बैकुंठ पहुंच गए, और बैकुंठ में भगवान नारायण क्षीर सागर पर लेटे हैं शेषनाग भगवान के ऊपर। अब भाव बनाइए कि लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही हैं, तो एक पांव तो लक्ष्मी जी दबा रही हैं और जो दूसरा पांव है भगवान श्रीमन नारायण का, तो आप ऐसा भाव बनाओ कि आप दूसरा पांव भगवान का दबा रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ, ऐसी कल्पना करो कि जैसे लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही हैं, हम भी चरण सेवा कर रहे हैं। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण के चरण दर्शन कर रहे हैं, पांव को सहला रहे हैं, पांव को सुंदर तरीके से दबा रहे हैं। भाव बनाइए कि हम भगवान के चरण सेवा कर रहे हैं। अब ऐसा भाव बनाइए कि आप भगवान नारायण की, लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं, और आप उनकी भगवान की, भगवान श्रीमन नारायण की, लक्ष्मी सहित नारायण की आप परिक्रमा लगा। आप भाव बनाओ कि हम भगवान श्रीमन नारायण की बैकुंठ में परिक्रमा लगा रहे हैं। ये एक परिक्रमा लगा ली, ये दूसरी परिक्रमा, ये तीसरी, और भगवान के चार परिक्रमा हमने लगाई। अब भाव बनाओ कि हम भगवान को प्रणाम करके पुनः हम भगवान की एक दूसरी लीला में अब सम्मिलित होने जा रहे हैं। सब लोग भाव बनाओ कि भगवान ने गिरिराज जी उठा रखा है। सब लोग भाव बनाइए कि भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, और जैसे गिरिराज जी की तलहटी पर छाया में सारे ग्वाल बाल सखियां सारे लोग आकर के छिप गए पानी से बचने के लिए, सब लोग उस तलहटी का आश्रय लिया। ऐसे आप भी भाव बनाओ कि भगवान जी ने गिरिराज जी उठा रखे हैं, जो आपका घर है, जो आपके घर की छत है, आप उसी को गिरिराज जी मान लीजिए, और ऐसा भाव बनाओ कि इस छत को भगवान जी ने उठा रखा है और हम सब इसकी छत्र छाया में। सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम भगवान ने गिरिराज जी उठाया है और हम भगवान के उस छाया के नीचे हैं, और श्याम सुंदर का टुकुर टुकुर हम दर्शन कर रहे हैं। सब लोग भाव बनाइए कि श्याम सुंदर के सुंदर सुंदर घुंघराले से बालों का आप दर्शन कर रहे हैं, उनके सुंदर माथे पर लगा तिलक आप सुंदर भगवान की आंखों का दर्शन, उनके गालों का, उनके अधरों का, उनके गले की सुंदर मालाओं का, भगवान की उंगली जिस उंगली पर गिरिराज जी रखा है वो सुंदर सी छोटी सी उस उंगली का आप दर्शन कर रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए कि आप भगवान की उस उंगली का पावन दर्शन कर रहे हैं, और आप बड़े प्रेम से
भगवान के एक एक अंग का, फिर चरणों का दर्शन कर रहे। फिर अब आप भाव बनाइए कि भगवान जी ने आपके सामने उस गिरिराज जी को, सुंदर से गिरिराज जी को स्थापित किया, और अब आप भगवान जी को बड़े प्रेम से, श्याम सुंदर को आप भगवान जी ने गिरिराज जी रख दिया। अब भगवान बाहर आए और भगवान को आप लड्डुओं का भोग लगा रहे। ऐसा भाव बनाओ कि आप लड्डू का भोग लगा रहे हैं। बगल में श्री राधा रानी खड़ी हैं, तो आप श्याम सुंदर और किशोरी जी, राधा रानी दोनों को आप लड्डू का भोग लगा रहे हैं। बढ़िया सुंदर सा भगवान को आप भोग लगाकर सुंदर से आप ऐसा अब भाव बनाओ कि आप भगवान को पुष्पों की माला पहना रहे हैं। अब भाव बनाओ कि जैसे केवट ने भगवान राम के चरण धोए, अब आप भी भाव बनाओ कि आप श्याम सुंदर और श्री राधा रानी के चरण पखार रहे हैं, चरण धुल रहे हैं, सुंदर से ठाकुर जी के चरणों को सहला रहे हैं। भाव बनाओ कि अब हम उस चरणों का चरणामृत पी रहे हैं। फिर ऐसा भाव बनाओ, अब हम भगवान से हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। अब सब लोग अपने हाथ जोड़ लीजिए और ऐसा भाव बनाओ कि श्याम सुंदर आपके सामने खड़े हैं, श्री राधा रानी आपके सामने खड़ी हैं, और आप हाथ जोड़ के सीधा उनसे ही कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, आप कहो, सब लोग कहो, हे नाथ हम पतित हैं, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे करुणा निधान, हे भक्त वत्सल, हम पापी हैं, अधम हैं, हम नीच हैं, हम दुष्ट हैं, हम खल हैं, हे प्रभु हम कामी हैं, हे नाथ हम क्रोधी हैं, हम लोभी हैं, हम अभिमानी हैं, हे श्याम सुंदर, इस संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पाप को हमने हजारों बार ना किया हो। हे श्याम सुंदर, आप तो करुणा की मूर्ति हैं, हे प्रभु मुझ पापी को, मुझ पतित को आप स्वीकार कर लीजिए। हे नाथ आप ही हमारी माता हो, हे श्याम सुंदर आप ही हमारे पिता हो, हे प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं, हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु माना कि हम पापी हैं, पर जैसे हैं आपके हैं, हे नाथ हमें आप स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें कौन स्वीकार करेगा। हे करुणा निधान, हे भक्त वत्सल, हे दीन दयाल, हे पतित पावन, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे नाथ, हे किशोरी जी, हे राधा रानी, हमें स्वीकार कीजिए। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। इस तरह से रोज भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हम जैसे हैं, माना कि हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट, पर जैसे हैं, हे प्रभु हम हैं तो आपके ना, आपके सिवा हमारा कौन है, और आप स्वीकार नहीं करोगे तो हम किससे कहेंगे, कौन हमें स्वीकार करेगा। हे नाथ बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। इस तरह से आप रोज अपने घर में 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, 20 मिनट बैठो, एकांत में बैठो, और शरीर कहीं भी बैठा हो क्या फर्क पड़ता है, तुरंत मन को गिरिराज जी ले आओ, तुरंत मन को वृंदावन ले आओ, तुरंत गिरिराज जी की परिक्रमा कर लो, तुरंत गंगा स्नान कर लो, तुरंत यमुना स्नान कर लो। भाव से प्रधानता शरीर की नहीं है साहब, प्रधानता मन की है। आपका शरीर कहाँ है क्या फर्क पड़ता है, आपका मन कहाँ है
ये मायने रखता है मन। तो आप लोग अपने मन को प्रभु चरणों में लगा के रखेंगे। और सच्ची बताओ, ऐसा कितने लोगों ने महसूस किया कि जब भगवान जी गिरिराज जी उठाए थे तो हम भी वहीं पर थे। देखो अपने आप को आसपास रखो भगवान के। ये अब देखो ये मानसिक पूजा है, इसे और बड़ी आप लोग अपने भाव से, मैंने तो सूत्रात्मक बता दिया सब, अब इसे और विस्तार आप अपने घर में करिए कि भगवान माखन चोरी कर रहे हैं तो आप उस ग्वाल वालों की टीम में हैं, भगवान रास रचा रहे हैं तो जैसे कल रास बताए थे कि जीवात्मा परमात्मा का मिलन है, तो आप भी ऐसा भाव बनाइए कि हम भगवान से मिल रहे हैं, भगवान ने हमें गले लगाया, भगवान हमारे पास बैठे, भगवान हमसे बातें कर रहे हैं, ये भाव ही तो बनाना है। कौन सा खर्चा लग रहा है? और भाव ऐसा बनाओ, ऐसा लगे कि हम भगवान के पास हैं और भगवान भगवान को अपने पास महसूस करना सीखो। जैसे माँ जब स्त्री गर्भवती होती है ना, तो वो अपने बच्चे को अपने पेट में महसूस करने लग जाती है। गर्भवती स्त्री अपने बच्चे को अपने पेट में महसूस करने लग जाती है। उसने अभी देखा नहीं अपने बच्चे को, पर महसूस तो कर रही है ना। जैसे माँ अपने गर्भ में बेटे को महसूस करती है, ऐसे भक्त अपने हृदय में भगवान को महसूस करे कि भगवान मेरे हृदय में।